हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ दो टपका का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं अभ्यास की ओर। देखिए, अभ्यास में सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। नंबर एक, आइए शब्दों के अर्थ जानें। देखो बच्चों, पहला शब्द है आफत। तो आफत का क्या अर्थ होता है? आफत का अर्थ होता है मुसीबत। और उचक्कर, उचक्कर का अर्थ होता है थोड़ा ऊपर उठकर। गति, गति का मतलब होता है हालत। बच्चों, यहाँ गति स्पीड से इसका मीनिंग नहीं है कि कभी आप गति का मतलब स्पीड समझो। गति का एक और अर्थ होता है हालत। अगला बच्चों, घटाटोप। घटाटोप का अर्थ होता है बादल घिरने के कारण हुआ अंधेरा। मैंने आपको पाठ में बताया भी था। अगला है पिछवाड़ा। पिछवाड़ा मतलब घर के पीछे का भाग, उसे पिछवाड़ा कहते हैं। बरमट, बरमट होता है बच्चों बरगद का फल। बरगद के फल को बरमट कहते हैं। अगला है बरखा। बरखा का अर्थ होता है वर्षा, बारिश। और है भोर। भोर का अर्थ होता है सवेरा, सुबह। मरियल, मरियल का अर्थ होता है बहुत कमज़ोर, जो पतला सा होता है ना, उसे कहते हैं मरियल। सरपट, सरपट का अर्थ होता है तेज़ दौड़ना। चलो बच्चों, शब्दार्थ हो गए। अब नंबर दो, कहानी से। यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, उन्हें हम करेंगे। देखो, पहला प्रश्न, क्या धनिया को टपके का डर क्यों था? बताओ, क्यों था धनिया को टपके का डर? क्योंकि धनिया क्या था? एक धोबी था और वह दूसरों के कपड़े धोया करता था और उसकी झोपड़ी पुरानी थी जिसमें से बारिश का पानी टपकता रहता था। उसे डर था कि कहीं यह बारिश का पानी कपड़ों पर ना गिर जाए, और कपड़ों पर गिर गया तो फिर उसका दाग नहीं मिटेगा। इसीलिए धनिया को टपके का डर था, है ना? देखो, अब कॉपी में कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे बच्चों, पाठ दो टपका और प्रश्न उत्तर लिख लेना। यहाँ पर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको काम करना है, ठीक है? और इसका उत्तर यहाँ तो आएगा नहीं, इसलिए आपको कॉपी में ही प्रश्न उत्तर करने हैं। तो देखो बच्चों, कैसे लिखेंगे उत्तर? देखो, धनिया धोबी का काम करता था, उसकी झोपड़ी पुरानी थी जिसके कारण झोपड़ी से बारिश का पानी टपकता रहता था। धनिया सोचता था कि यदि कपड़ों पर बारिश का पानी टपकेगा तो उसके दाग कपड़ों से नहीं उतरेंगे, इसलिए धनिया को टपके का डर था। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न नंबर 6, मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। किसने कही थी ये बात, याद है ना? बंदर ने कही थी। वेरी गुड। देखो, बंदर ने हंसकर कहा, मतलब यह बात बंदर ने कही। अब बंदर ने किस टपके के खाने की बात शेर से कही थी? बताओ, बंदर तो पेड़ पर रहता है ना, और पेड़ से फल तोड़कर खाता रहता है बंदर, और फल जैसे नीचे टप टप करके गिरते हैं ना, तो वह यही सोच रहा था कि शेर उसी को टपका कह रहा है। तो देखो, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो, खै प्रश्न, इसका उत्तर, बंदर ने शेर से जिस टपके की बात कही वह कोई फल था। बंदर के अनुसार किसी पेड़ से टप टप की आवाज करके जो फल नीचे गिरता है वह टपका है, जैसे बेल का फल, आम, नारियल आदि। अगला प्रश्न, गै आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। शेर की इस बात से बंदरों की कौन सी विशेषता पता चलती है? बताओ, बंदरों की शरारती होने की और उछल कूद करते रहने की विशेषता पता लगती है ना, इसी को लिखेंगे उत्तर में। देखो,
शेर की इस बात से बंदरों के शरारती होने व हमेशा उछल कूद करते रहने की विशेषता का पता लगता है। चलो बच्चों, इस पेज पर इतने ही प्रश्न हैं, अगले पेज पर चलते हैं। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 10 पर यह प्रश्न अजीब बात थी। शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। शेर और कुम्हार एक दूसरे से क्यों डर रहे थे? बताओ क्यों डर रहे थे, पता है? देखो, शेर तो समझ रहा था कि वह टपका है, उससे भी ज्यादा ताकतवर। और कुम्हार शेर पर बैठ गया था जब उसने देखा कि यह तो उसका गधा नहीं, शेर है। तो कुम्हार शेर से डर गया कि उससे कैसे बचा जाए। तो यही बच्चों लिखेंगे हम। देखो कैसे लिखेंगे। गै उत्तर, शेर कुम्हार को टपका समझकर भयंकर बला महसूस कर रहा था। वह कुम्हार को पता चल गया था कि वह गधे पर नहीं बल्कि शेर पर बैठा है, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। अब देखो अगला प्रश्न है, कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई? बताओ कैसे बचाई थी, याद है आपको? पढ़ा था ना पाठ, कहानी पढ़ी थी। कुम्हार कहाँ बरगद पर चढ़ गया था, बरगद की दाढ़ी पकड़कर और उसकी खोह में छिपकर बैठ गया था। तो देखो यही बच्चों हम लिखेंगे उत्तर में। जंगल में शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली और बरगद पर चढ़कर उसकी खोह में छिपकर बैठ गया। इस प्रकार कुम्हार ने शेर से अपनी जान बचाई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नंबर 3 पर, आपकी बात। शेर ने टपके को अपने से बलवान समझा। आप किस किस को अपने से बलवान समझते हो, बताओ किस किस को समझते हो? चीता, भालू और शेर को भी। और किस किस को समझते हो? जिस जिस को भी आप समझते हो बच्चों, आप यहां उनके नाम लिख देना। ठीक है, अगला देखो। खैर, बंदर को टपका बहुत अच्छा लगता था। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? जैसे बंदर को टपका अच्छा लगता था, आपको क्या अच्छा लगता है बताओ? कुछ खाने का, कोई फ्रूट हो, सब्जी हो या फिर कुछ और, वो आपको यहां लिखना है। ठीक है बच्चों, अगला देखो प्रश्न 4 पाठ से आगे। नंबर क्या, कुम्हार गधे से क्या क्या काम लेता होगा? बताओ क्या क्या काम लेता होगा गधे से। कुम्हार गधे से बोझा ढोने का काम लेता होगा। और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, और मिट्टी के बर्तन बाजार भी लेकर जाते होंगे बर्तनों को बेचने के लिए। तो बर्तनों को बाजार ले जाने के लिए कुम्हार गधे की पीठ पर लाद कर लेकर जाता होगा बर्तनों को। और इसी प्रकार के अन्य काम भी लेता होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। देखो, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, वह गधा बोझा ढोने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी गधे की पीठ पर लाद कर लाता होगा, वह बर्तनों को गधे की पीठ पर रख कर बेचने के लिए लेकर जाता होगा। अगला प्रश्न है, खैर, टपके का दाग धुलता भी तो नहीं, पता करें ऐसी कौन और कौन कौन सी चीजें हैं जिनके दाग कपड़ों से नहीं छूटते। बताओ कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे हल्दी का दाग, चाय कॉफी का दाग, घी का दाग, तेल का दाग, पेंट का दाग। तो उन्हें लिख देंगे उत्तर में कि कपड़ों से हल्दी, शाही, चाय, कॉफी, घी, गहरे पेंट, तेल भी लिख सकते हैं, और भी जो कुछ है वो आप लिख देना
जो आप सोचते हैं उनके दाग आदि के दाग नहीं छूटते। अगला प्रश्न है बच्चों, गै शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर पेड़ की दाढ़ी पकड़ ली। अगर शेर बरगद के पेड़ के नीचे से न गुजरता तो कुम्हार क्या करता? सोचो सोचो क्या करता। तो बच्चों इसका जवाब तो आपको खुद सोचकर लिखना है, बताओ क्या करता? आपको अपनी इमेजिनेशन लगानी है, सोचना है कि किस तरीके से वह शेर से बचता। हो सकता है आगे नदी आ जाती तो वह पानी में कूद जाता, है ना, और हो सकता है शेर किसी पुल को क्रॉस करता तो फिर वो उस पुल से नीचे कूद जाता, नदी वगैरह में जो भी होगा, नीचे नदी या फिर तालाब उसको मिल जाए रास्ते में, तालाब में कूद सकता है वो, कुछ भी जो आप सोचते हैं कि इस तरीके से वह अपनी जान बचाता वह आप यहाँ लिखेंगे। अगला देखो, घर पाठ में आया है कि शेर और बंदर भागते भागते दूर निकल गए, वे दोनों भागकर कहाँ गए होंगे? बताओ कहाँ रहता है शेर? जंगल में ना, और बंदर भी, तो वे भागते भागते जंगल में ही गए होंगे। और कुछ आप सोचते हैं अगर तो आप वह लिख देना यहाँ पर। तो बच्चों आज सिर्फ इतना ही, इसका आगे का अभ्यास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ समझ कर करना है यह अभ्यास, और हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इससे पहले की वीडियोस पार्ट एक की या फिर और बाकी सब्जेक्ट्स की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।